कृषि तो वैसे पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बिहार के लिए इसकी अहमियत कुछ खास है। प्रकृति ने उपजाऊ मिट्टी का जो अनुपम उपहार बिहार को दे रखा है, उसके चलते कृषि हमारे लिए स्वाभाविक प्राथमिकता बनी रही है। बिहार सरकार ने इसी तत्व को पहचानते हुए राज्य में कृषि के विकास को समग्र विकास के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया है। कृषि प्रणाली को बेहतर बनाने और ज्यादा से ज्यादा उपज द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि यांत्रिकीकरण नीति बनाई गई। इसके अंतर्गत किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि प्रत्येक थाल में बिहार का एक व्यंजन हो, तो इसके लिए हमको कृषि को एक इंडस्ट्री के रूप में लेना होगा, और इंडस्ट्री के रूप में लेने के लिए हम लोग यंत्र के रूप में, जब तक हम लोग यंत्र से अपनी खेती नहीं करेंगे तब तक इंडस्ट्री का रूप हम लोग नहीं दे सकते। तो इसी इंडस्ट्री के रूप में कृषि को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम लोग किसानों के बीच में अनुदानित दर पर यंत्र मुहैया कराते हैं, और जिन किसानों को जिस स्तर का, बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक का जो यंत्र उनको आवश्यक लगता है वो अपना आवेदन करते हैं, और वो अनुदानित दर पर वो मतलब अभी तो पूरा पैसा लगाकर वो क्रय करते हैं, लेकिन बाद में अनुदान उनके खाते पे दे दिया जाता है। कृषि के आधुनिकीकरण में कृषि यांत्रिकीकरण एक महत्वपूर्ण घटक है। इसमें उत्पादकता वृद्धि में यांत्रिक शक्ति का अधिकतम उपयोग, समय एवं श्रम की बचत, समय पर फसल की तैयारी आदि शामिल है। मैं जीरो टिलेज लिया हूँ, और जो लागत पहले लगता था लागत 50% हो गया है, और आमदनी बढ़ गया है, और जिला कृषि पदाधिकारी के सहयोग से प्राप्त हुआ है, इसे बहुत हम लोग को लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत किसानों को नैपसेक स्प्रेयर, पंप सेट, रोटावेटर, जीरो ट्रिल, सीड ड्रिल, पावर बीडर, मल्टीक्रॉप प्लांटर, सिंचाई हेतु पाइप सहित कुल 90 तरह के कृषि यंत्रों को अनुदान पर वितरित किया जाता है। हम लोग फ्लड एग्रीगेशन से खेती करते थे, लेकिन जब ड्रिप मैंने 5 कट्ठा, सबसे पहले मैं 10 कट्ठा ड्रिप लगवाया, जब ड्रिप को मैं लगवाया 10 कट्ठा तो हमको बहुत अच्छा लगा। इसे ड्रिप लगाने से जो है सो लेबर कॉस्ट कम पड़ता है, पानी पटाने में सुविधा होता है, माने एक आदमी ही सारा ऑपरेशन कर लेता है, और कुछ 2 घंटा 4 घंटा पटा के माने चालू कर दिया, छोड़ दिया, फिर कल होके फिर अगर ज़रूरत पड़ा तो फिर 4 घंटा चालू कर दिया, 2 घंटा चालू कर दिया, हो गया, और टाइम का भी बचत होता है, लेबर का भी बचत होता है। इससे सरकार जो है सो उस पर 90% अनुदान भी दिया हमको। तो हम लोग जीरो टिल लिए ब्लॉक से। अब जो है सर बीज कम लगता है, बोने में आराम रहता है, खाद और जो है बिहन एक बार बोआ जाता है। पहले जो है सर ट्रैक्टर से खुदाई होता था तो ज़्यादा हार लगता था, और जीरो टिल से यहाँ हम धारी से लाइनिंग बाई लाइनिंग होता है।